सर नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं तुला राशि वालों के लिए 8 मई से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल। मई माह का दूसरा सप्ताह आपके लिए क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण की बातें लेकर आया है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 8 तारीख से 14 मई का सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जानकारी जो है चंद्र राशि पर आधारित होगी, सभी महिलाएं पुरुष बच्चों के लिए होगी। आने वाले कल की जानकारी हमें ज्योतिष देता है। ज्योतिष मानने की चीज़ नहीं है, ज्योतिष जानने की चीज़ है। ज्योतिष में विश्वास रखिए, कृपया अंधविश्वास ना रखें। ज्योतिष के आधार पर आप आने वाले सप्ताह, आने वाले दिन के बारे में जान सकते हैं। तो हम बताते हैं आज आपको ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। अगर आज आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करते हैं सप्ताह आपके लिए कैसा क्या रहेगा। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यवहारिक जीवन में उत्साह और आनंद से बना हुआ रहेगा। आपकी खुशियाँ बेहतर करने के लिए कोई अच्छे अवसर इस समय प्राप्त होंगे। कार्य करने के लिए महिलाएं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। महिलाएं इस समय आपको, कोई महिला से आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही समय बहुत ही अच्छा रहेगा। घरेलू महिलाओं का प्यार और साथ और पूरा लाभ इस समय प्राप्त होगा। आपके जीवन साथी आपको पूर्णतः रूप से समझ पाएंगे, आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। सप्ताह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है आपकी लापरवाही की वजह से। हृदय संबंधित कोई ना कोई रोग इस समय आपको हो सकते हैं, और शुगर, थोड़े से शुगर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शुगर के कोई ना कोई रोग इस समय हो सकते हैं। अपने कार्य कुशलता और आत्मविश्वास के लिए तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कोई ना कोई बड़ा लाभ भी प्राप्त होता है दिखाई दे रहा है। आपकी कोई सफलता के बड़े बड़े योग बनेंगे, कोई मार्ग खोलेंगे, नए स्रोत इस समय लाभ के और धन के इस समय खोलेंगे। कार्य में अनावश्य कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। जो बाधाएं चल रही थी वो समाप्त होगी। पहले जो उनकी समस्या थी उनका समाधान आज के दिन प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, कई समय से जो अटके हुए पैसे हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर आप दुखी अवश्य हो सकते हैं, पर आपका दिल दुखी होगा तो वहीं पर आपको कोई ना कोई ऐसा सहयोग, ऐसा साथ मिलेगा जो आपको पूर्णतः रूप से उस दुख से बाहर निकालेगा। बाधाएं आएगी, पर उन बाधाओं से आप जल्दी ही निकल पाएंगे। बाधाएं आने पर धैर्य नहीं खोना है, याद रखें धैर्य आपको बिल्कुल नहीं खोना है। आपकी ईश्वर अवश्य मदद करेगा, पिता का आशीर्वाद मिलाएगा। कहीं घूमने बाहर अवश्य जा सकते हैं, लघु यात्रा या दीर्घ यात्रा हो सकती है जो लाभ प्राप्त कराएंगे। विदेश जाने के योग भी सप्ताह आपको देखने को प्राप्त होंगे, विदेश जाकर धन कमाने के योग प्राप्त होंगे। अधिक इस समय पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई बड़ा शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य आज के दिन इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। छात्र छात्राओं के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कुछ अच्छे कार्य इस समय इस सप्ताह को देखने को मिलेंगे। शिक्षा से जुड़ी कई अच्छी योजनाएं इस सप्ताह में बनती हुई दिखाई देंगे। अब बात करते हैं 8 मई की। आज का दिन जीवन साथी के साथ सहयोग रहेगा। पूर्ण रूप से आज आपके दिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा लाभ, कोई ना कोई बड़ा कार्य आज के दिन मिल सकता है। आप बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे। पढ़ाई लिखाई के दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापारी कुछ नए साझेदारी के रूप में कोई नए कार्य में इस समय हाथ लगा सकते हैं। वहीं समय जमा पूंजी में इस समय बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पीन के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। रोजाना नियमित रूप से व्यायाम योगा अवश्य करें। महिलाओं से अच्छे से बात करें, उनसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 9 मई की। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं बाहर घूमने जाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। किसी व्यापारी प्रस्ताव इस समय आज समय प्राप्त होंगे, जिससे आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे अधिक समय से, वो आज के दिन आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो आज आपके पूर्णतः विजय के योग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जीवन साथी का पूर्ण संबंध सहयोग आज के दिन प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग आज के दिन आपको प्राप्त होगा। आर्थिक सहायता उनकी तरफ से भी प्रदान होगी। दैनिक आय बढ़ने के कुछ स्रोत आपको इस समय नए नए स्रोत बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आपके घर पर कोई नया मेहमान अवश्य आ सकता है, जिससे कोई बड़ा लाभ, कोई ना कोई अच्छा सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर वो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आज के दिन आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं 10 मई की। 10 मई के दिन थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। सड़क पर चलते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखनी, सतर्कता इस समय बरतनी है, नहीं तो कहीं ना कोई बड़ी नुकसान, कोई ना कोई बड़ी हानि हो सकती है। छोटे बड़े काम करने में आपको सावधानी रखनी है। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बैठा के रखें, नहीं कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तनाव या कोई ना कोई वाद विवाद इससे हो सकता है। अनावश्यक वाद विवादों से बचना है। शुभ समाचार मिलने से निराशा अवश्य होगी, क्योंकि इस समय विवाद की स्थिति चल रही है। आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। प्रेम संबंध के लिए भी थोड़ा सा समान रूप से ही रहेगा, ज़्यादा कुछ अच्छी विशेषताएँ नहीं है। 11 मई की बात करते हैं। आज का दिन थोड़ा सा उदासी सा
महसूस कर सकते हैं। काम में रुकावट आएगी। नए वाहन खरीदने के जो योग बन रहे थे, आज के दिन अगर नया वाहन खरीदना चाह रहे तो आज बिल्कुल ना खरीदें। गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी रखनी, वाहन से सावधानी रखनी। सट्टेबाजी में धन निवेश नहीं करें, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आज के दिन प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा अशुभ दिन रहेगा। कमर के नीचे, घुटने के नीचे ऊपर जो गुप्त अंग है वहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आज के दिन आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, नहीं तो कोई ना कोई बड़ी समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। सावधान रहना है आपको। इन चीज़ों से बहुत परेशान करने के बाद भी इस समय कुछ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन घबराए नहीं, ईश्वर आपकी पूर्णतः रूप से मदद करेगा। बात करते हैं 12 मई की। 12 मई का दिन सफलतादायक दिन रहेगा। जो परेशानियाँ थी, बुरे दिन थे, वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए पूर्ण एकता से, आत्मविश्वास से आज का दिन बीतेगा। स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियाँ थी वो समाप्त होती हुई दिखाई दी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अनुकूल समय रहेगा। प्रेमी प्रेमिकों के मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। उनके इस समय अगर वो प्रेमी प्रेमिका अगर अपने संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा शुभ है। आज के दिन अपना संबंध विवाह के रूप में परिवर्तन होने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये समय सट्टेबाजी में निवेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में अच्छा नाम होगा। मान सम्मान इस समय प्राप्त होगा। बात करते हैं 13 मई की। ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्य नेत्र साथ देगा। पूर्ण रूप से अच्छा धन प्राप्त करेंगे। काम इस समय नए नए कार्य आपको इस समय प्राप्त होंगे। काम में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन साथी से रिश्ता इस समय नहीं बिगड़ेगा। कोई ना कोई जो बिगड़े हुए थे वो इस समय सुधरेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साले सालियों से मुलाकात के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उनसे कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उनके लिए खुश रखने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न रहना होगा। सावधानी आपको अपने व्यापार में रखनी होगी, कार्य क्षेत्र में रखनी होगी। वहाँ पर शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी खुशियों हुए बाधाएं पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। आपको संतान की ओर से शुभ समाचार आज के दिन प्राप्त होंगे। आपकी संतान आपको खुशियां मिलेगी, खुशियां प्राप्त कराएंगी। वहीं संतान आपको अपने कार्य की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान अवश्य रहना है। कुछ मानसिक परेशानियों से थोड़ा आपको दूर रहना है। अपने सकारात्मक विचार ही रखने, नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बात करते हैं 14 मई की। कुछ उच्च अधिकारी आपके इस समय पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, कुछ बड़ा लाभ प्राप्त कराएंगे। आप उनसे मिलकर नए नए कार्य करा सकते हैं। उनसे नज़दीकियाँ बढ़ेगी। उनका सहयोग मिलकर व्यापार में कुछ अच्छे बड़े कार्य कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बेहतर पूर्ण रूप से प्रदर्शन करेंगे। जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ इस समय समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक में कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य अवश्य होता है। घर में व्यापार में पूर्ण रूप से सुखदायक समय रहेगा। बच्चों के व्यवहार में थोड़ा सा इस समय चिंताकारक समय ये रह सकता है कि वो कुछ ना कुछ खेल कूद में इस समय समय व्यतीत करें, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान ना दें। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको समय व्यतीत करना होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ोतरी होगी। आज मैंने आप सभी को बताया तुला राशि वालों के लिए सप्ताह 8 मई से 14 मई का सप्ताह आपके लिए कैसा क्या जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, सभी जानने के लिए इस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से लोग तो शेयर करें, जिनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान उन्हें ज्योतिष ज्ञानी में प्राप्त हो सके। मेरे इंस्टाग्राम पेज ज्योतिष ज्ञानी को भी आप फॉलो कर लें। उसमें मैं डेली राशि पर डेली ज्योतिष के उपाय मैं आप सभी को देता हूं। अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी समाधान चाहिए, कुंडली दिखानी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे-बैठे हम करेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।